हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सक्सेस विद यू के यूट्यूब चैनल पर। 100 शब्द प्रति मिनट लीगल मैटर डिक्टेशन प्रारंभ होगी 5 सेकंड बाद। 5 4 3 2 1। विवेचना अधिकारी ने अपने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श P14 का पत्र एक पेज का है जिसमें और कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। उसी के आधार पर प्रदर्श P15 की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसने हवलदार द्वारा लिखवाई थी। उसने उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मजिस्ट्रेट को भेजने संबंधित कोई डाक बुक या पावती प्रकरण में संलग्न नहीं है। साक्षी ने अपने प्रदर्श D1 के कथन में यह बताया था कि जिस अलमारी में चेक बुक रखते थे उसकी दो चाबी थी। एक चाबी खालिद हमीद और दूसरी विवेक शुक्ला रखता था। उसके बताने पर ही उसने लेख किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि इस प्रकरण में अनुसंधान किए जाने की पुष्टि हेतु कोई रवानगी एवं वापसी सान्हा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा इस प्रकरण में मालखाना पर्ची भी प्रस्तुत नहीं की है। प्रदर्श P1 लगायत 5 के जब्ती पत्रकों में इस बात का उल्लेख नहीं है कि जो जब्तशुदा वस्तु या आर्टिकल या दस्तावेज उनको कहां सुरक्षित रखा गया। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने मध्यान्ह भोजन से संबंधित 14 चेकों एवं स्कॉलरशिप से संबंधित 2 चेकों को जब्त नहीं किया। उसने अभियुक्त अभय एवं विवेक के नमूना हस्ताक्षर लिए थे लेकिन उसने उन्हें जांच के लिए नहीं भेजा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने स्वयं इस संबंध में अनुसंधान नहीं किया है कि किन लोगों को मध्यान्ह भोजन या स्कॉलरशिप मिलनी थी। साक्षी ने स्वतः कहा कि आगे अनुसंधान करने वाले ने की होगी। उपरोक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त अभय के द्वारा चेक पर फर्जी हस्ताक्षर किए गए ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। मृत अभियुक्त विवेक के द्वारा अभियुक्त अभय के हस्ताक्षर पर चेक भुगताने के संबंध में अभियोजन साक्षी द्वारा अभिकथित किया गया है। इसके अतिरिक्त चेक जारी करने के बाद उनकी काउंटर फाइल में कुछ नहीं लिखने पर कोरे रखकर उनकी कूट रचना करने के संबंध में भी कोई स्पष्ट साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। यहाँ यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि हस्ताक्षर कूट रचित होने के संबंध में विवेचना अंतर्गत हस्तलिपि विशेषज्ञ द्वारा जांच करवाई गई थी परंतु उक्त रिपोर्ट अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में आरोपित अपराध से अभियुक्त को जोड़ने के लिए कोई भी मूलभूत अथवा ठोस साक्ष्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह मानने का आधार हो कि अभियुक्त द्वारा उसने अलमारी में रखे चेकों पर हस्ताक्षर कर उनकी काउंटर फाइल को कोरे रखे चेकों का भुगतान लेकर स्वयं के उपयोग में संपरिवर्तित कर शासकीय राशि का गबन किया। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त अभय ने शिक्षा अधिकारी के पद पर लोक सेवक के नाते
कार्य करते हुए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम निधि और छात्रवृत्ति निधि की कुल राशि संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर अथवा अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर शासकीय राशि का गबन किया है। स्टॉप। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आप अपनी शॉर्ट हैंड की तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कराना चाहते हैं तो हमारे पेड कोर्स को अवश्य ज्वाइन करें। पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू।